हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हो गया हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल में भी दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों, अगर आपका खाता यूनियन बैंक में है और दोस्तों आप फोन पे या गूगल पे बनाना चाहते हो आधार कार्ड से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाता यूनियन बैंक में है और दोस्तों आप गूगल पे चलाना चाहते हो या दोस्तों पेटीएम चलाना चाहते हो या दोस्तों फोन पे चलाना चाहते हो आधार कार्ड से और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कैसे आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करते हैं और कैसे आधार कार्ड के माध्यम से गूगल पे चला सकते हैं या दोस्तों फोन पे चला सकते हैं। तो दोनों के दोनों एप्लीकेशन आपको चलाना सिखाऊंगा, कैसे आप गूगल पे और फोन पे चला सकते हो आधार कार्ड के माध्यम से। तो वीडियो को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट एंड दोस्तों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या दोस्तों आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ओपन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ओपन पे क्लिक करोगे आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो पहले आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगा जैसे कि अलाउ जी पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे अलाउ कर देना है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर दोस्तों आपने बैंक में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड दोस्तों यहाँ पे जीमेल वगैरह आप लोगों के पास शो करेगा तो यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जीमेल आपको परमानेंटली यूज करना हो, ठीक है, वही जीमेल आप डालिएगा एंड दोस्तों वापस एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक कर दोगे आपका मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा एंड दोस्तों जैसे वेरीफाई हो जाएगा आप लोग देख पा रहे हो जी पे ओपन हो चुका है। जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों गूगल पे अकाउंट ओपन हो चुका है। डायरेक्ट दोस्तों होम पेज पे ही आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पे आपको क्लिक करना है। ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पे आप क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे पूरा बैंक का लिस्ट निकल कर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों पूरा बैंक का लिस्ट आ जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। सर्च वाले ऑप्शन में हम सर्च करेंगे यूनियन बैंक, अपना जो भी बैंक है दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बैंक यहाँ पे शो कर रहा है। देन यहीं पे हम टैप करेंगे एंड दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वापस आपको परमिशन अलाउ कर देना है एंड दोस्तों जो भी परमिशन है फटाफट आपको अलाउ कर देना है एंड दोस्तों यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। जैसे कि देख पा रहे सेंडिंग SMS वेरीफाई नंबर एंड दोस्तों इस प्रोसेस से आपका यहाँ पे पहले वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फाइंडिंग बैंक अकाउंट एंड दोस्तों सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे बैंक लिंक हो जाएगा। सक्सेसफुली दोस्तों देख सकते हैं बैंक लिंक हो चुका है। अब दोस्तों जैसे बैंक लिंक हो जाएगा आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक कर दोगे अब आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पे वापस कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे दोस्तों आपका यहाँ पे बैंक लिंक हो चुका है। सक्सेसफुली दोस्तों बैंक लिंक हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका बैंक दिख जाएगा। बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉरगेट यूपीआई पिन। दोस्तों अगर आप पहली बार बनाओगे तो आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा, फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन नहीं दिखेगा, सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा। तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड का यहाँ पे डिटेल्स लगेगा। डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर रहेगा तो यहाँ पे आप एक गूगल पे बना सकते हो। बट दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट दोस्तों रियल ट्रिक है, यूज करके आप आसानी से फोन पे के माध्यम से गूगल पे चला सकते हो। तो फाइनली प्ले स्टोर ओपन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली आपको फोन पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने बाद दोस्तों ओपन पे क्लिक करना। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फटाफट यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल के ट्राई अनदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या दोस्तों पासवर्ड डाल के आपको लॉग इन कर लेना है। तो फाइनली हम यहाँ पे लॉगिन द्वारा और लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे ओटीपी द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे एंड दोस्तों जो भी परमिशन रहेगा यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है
एंड दोस्तों जो भी परमिशन है अलाउ करने के बाद आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड दोस्तों यहां पे आपको बैंक लिंक करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो फाइनली हमारा यहां पे बैंक शो कर रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देन यहीं पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वन क्लिक में सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पे बैंक लिंक हो जाएगा। दोस्तों आपका फोन नंबर ही और आपका आधार कार्ड भी और बैंक तीनों एक ही नंबर से होने चाहिए। फाइनल देख सकते हैं यहाँ पे बैंक लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे रेस्ट पिन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आपको यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, यहीं पे आप क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, लास्ट सिक्स डिजिट योर कार्ड नंबर। एंड दोस्तों यहाँ पे ऑथराइज यूजिंग आधार नंबर, यहाँ पे यूजिंग आधार नंबर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का फैसिलिटी इनेबल हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड का स्टार्टिंग का सिक्स डिजिट नंबर डाल देना है, जो आपका सिक्स डिजिट नंबर होता है। दोस्तों प्रोसेड पे क्लिक करिएगा, जो भी परमिशन है आपको अलाउ कर देना है। अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा है, रीट्राई पे क्लिक करेंगे दोस्तों, प्रोसेड पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम आधार कार्ड का सिक्स डिजिट नंबर डालेंगे, जो हमारा सिक्स डिजिट नंबर होता है। एंड दोस्तों गलत मत डालिएगा, प्रोसेड पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ओटीपी वगैरह आएगा, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, आधार जो नंबर लिंक है उस पे ओटीपी आएगा और एक बैंक का ओटीपी आएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आधार ओटीपी आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पे ओटीपी चेकआउट कर लेंगे, यहाँ पे 76 58 40, ठीक है, यहाँ पे 76 58 40, यहाँ पे 76 58 40, यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना है, देन साइन पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे इंटर बैंक ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, देन साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सेट फोर डिजिट यूपीआई पिन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक यूपीआई पिन सेट कर सकते हो, जो आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए हम यहाँ पे एक यूपीआई पिन सेट कर देते हैं और दोस्तों आप लोगों के सामने सक्सेसफुली यहाँ पे आधार कार्ड के माध्यम से यूपीआई पिन मैंने बना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप भी इसी प्रोसेस से यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट, इसी प्रोसेस से दोस्तों आप यहाँ पे आधार यूपीआई से, आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हो। सेंड वन टू फ्रेंड पे क्लिक करिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे बैक वाला ऑप्शन दिख जाएगा, बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। एंड दोस्तों होम पेज पे आप आ जाओगे। एंड दोस्तों यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन है, चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे यूनियन बैंक सेलेक्ट करिएगा। एंड दोस्तों जो आपने यूपीआई पिन डाला वो यूपीआई पिन डाल के आपको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों सक्सेसफुली जो भी आपका बैलेंस रहेगा यहाँ पे शो कर जाएगा। इस प्रोसेस से दोस्तों आधार कार्ड से बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो, आधार कार्ड से मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो, आधार कार्ड से यूपीआई पिन भी बना सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जीपे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड दोस्तों यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जो यूपीआई पिन हमने बनाया है आधार कार्ड से अभी अभी, ठीक है, वही यूपीआई पिन दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे। एंड दोस्तों साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे भी हमारा पेमेंट शो कर जाएगा। तो फाइनल दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप यूपीआई पिन कोई भी ऐप में बना लेते हो तो वही यूपीआई पिन हर एक ऐप में यूज हो जाए। अगर आप फोन पे में यूपीआई पिन बना लेते हो तो आप बैंक लिंक करके पेटीएम भी चला सकते हो, गूगल पे भी चला सकते हो, कोई भी ऐप चला सकते हो। हर एक ऐप में यूपीआई पिन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ऐप में यूपीआई पिन बनाना होता है। तो फ्रेंड दोस्तों आधार कार्ड का ऑप्शन फोन पे में शो कर रहा है, तो आप वहां से यूपीआई पिन बना लो। फ्रेंड दोस्तों फोन पे भी चला सकते हो और गूगल पे भी चला सकते हो, पेटीएम भी चला सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।